सर नमस्कार, मैं प्लाटून कमांडर नरेश वर्मा, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा तृतीय वाहिनी शिमला। किस तरह का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है? सर ये जो कार्यक्रम है, प्रशिक्षण कार्यक्रम पिछले 5 दिनों से चला हुआ है यहाँ पे। और ये प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है भारत सरकार द्वारा जो है हिमाचल प्रदेश के जो नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक है, यानी इस शहर के वो लोग जो स्वेच्छा से जो है कुछ ना कुछ जीवन में करना चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं, वो अपने आप को जो है प्रेफर करते हैं कि हमें जाना है और हमें एक दूसरे की मदद करनी है। तो वो मदद किस तरह से कर सकते हैं, आप सभी को पता है कि प्रशिक्षण के द्वारा वो जो है जब ट्रेनिंग लेंगे तो तभी किसी की हेल्प कर पाएंगे। तो ये जितने 25 लोगों के लिए जो है कोर्स लगाया गया था, लेकिन इसमें 20 लोगों ने जो है अपना पार्टिसिपेशन दिया है और मैं इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। लेकिन सब उससे पहले मैं इन सब का धन्यवाद करूं, सबसे पहला जो है मैं आप जो है मीडिया भाई बंधु जो है मेरे, आप सभी का धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करता हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि जो नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षा है, उसके जो नागरिक सुरक्षा की अगर मैं बात करता हूं तो जो डीसी साहब है वो कंट्रोलर है वो, और जो हमारे गृह रक्षा तृतीय वाहिनी कमांडेंट है श्रीमती नविता शर्मा जी, वो जो है वर्तमान में जो है उसके डिप्टी कंट्रोलर है। तो मैं इन दोनों का तो धन्यवाद करता ही करता हूँ, साथ में जो हमारे डीजी साहब है उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ और आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। और अगर सर हम बात करते हैं इस प्रशिक्षण की, तो इस प्रशिक्षण के दौरान जो है इन लोगों ने क्या क्या सीखा उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना। प्रशिक्षण था इसमें जो है किस तरह से आप जो है किसी की मदद किसी भी रूप से, मान लो कोई फायर केस हुआ है आपको उसको किस तरह से हैंडल करना है, कहीं पे कोई दुर्घटना हो गई है, कोई बस एक्सीडेंट है, कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है, वहाँ पर जो विक्टिम मिलेंगे हेड इंजरी है या किसी और तरह की कोई भी कैजुअलिटी मिलती है, उसको किस तरह से जो है लिफ्ट करना है, किसको किस तरह से उसको फर्स्ट एड देना है। इसके अलावा इन्होंने नॉट्स के बारे में यहाँ पे सीखा, फायर के बारे में सीखा, फर्स्ट एड के बारे में सीखा और डिफरेंट टाइप ऑफ जैसे स्नेक बाइट फर्स्ट एड में, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट एड बहुत लंबा है, तो स्नेक बाइट की बात करो आप, जो वो सब समस्याएँ जो कि हमारे एनवायरनमेंट के साथ जहाँ पे भी हम जो है अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे होते हैं, जो वहाँ पे दिक्कतें आती है, उन चुनौतियों से खुद को कैसे सेफ रखना है और अगर जो है किसी कारण से दुर्घटना हो जाती है तो हमें किस तरह से मानवता को जिंदा रखना है और किस तरह से दूसरों की मदद करनी है, वो सब जो है इस प्रशिक्षण के दौरान हमने जो है सिखाने की कोशिश की।